Hey everyone, welcome to JK Civil Services. As you all know that we are doing Indian culture and heritage and usme hum log festivals discuss kar rahe hain. Last lecture mein hum logon ne Punjab ke festivals jo hai wo discuss kar liye the and humne lohri padh ke ya Punjab ke festivals padh ke jo apne lecture ka end kar diya tha and today's lecture is going to start from the state of festivals of Uttarakhand. Okay, Uttarakhand ke jo festivals hai aaj hum wo डिस्कस करेंगे एंड इसके आगे जो भी स्टेट्स होंगे जो भी फेस्टिवल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. ओके अब देखिए फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कुंभ मेला. कुंभ मेला कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में. एंड मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था महाकुंभ ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है. ठीक है, महाकुंभ ऑफ ईस्ट जो है वो कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है. हिंट भी आपको दे दूंगी मैं. ठीक है, उसमें हम कामाख्या देवी जो हमारी गॉडेस थी जिसको हम गॉडेस शक्ति भी बोलते हैं उनकी याद में जो है ये महाकुंभ ऑफ ईस्ट मनाया जाता था. ठीक, तो मुझे ये बताइए कि ये महाकुंभ ऑफ ईस्ट जो है ये हम कहाँ पे मनाते हैं. ठीक है, कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाता है. ठीक है, कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल बनाता है. ठीक है, बनाते हैं हम लोग. ठीक, ये तो आपको पता है कि ये कामाख्या फेस्टिवल जो है उसको बोलते हैं महाकुंभ ऑफ ईस्ट, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये हम कौन से स्टेट में मनाते थे. ठीक है, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाते थे इसका आंसर आप नीचे करेंगे. ओके, तो कुंभ मेला जो है वो हम उत्तराखंड में भी मनाते हैं. फूल देई और फूल हाउस डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. ठीक है, हरेला. उसके बाद उत्तराखंड में एक तो कुंभ मेला मनाते हैं एक तो फूल देई. ठीक है, या आप इसको आप ये स्पेलिंग भी लिख सकते हैं फूल देई या फूल देई. ठीक, एंड हरेला कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में. ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है. वहाँ पे जाते हैं हम लोग तो हरेला, वहाँ पे हरा हरा होता है. ठीक है, क्योंकि फूल पौधे वगैरह होते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो कुंभ घूमने जाते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ पे मेला लगता है. ठीक है, ऐसा मानो वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है. कुंभ का मेला बहुत बड़ा मेला है. ठीक है, तो वहाँ पे इतनी हरियाली है, इतने फूल पत्ते हैं, इतने फूल है. ठीक है, तो वहाँ पे इतना बड़ा मेला ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ जो है कुंभ मेला लगा हुआ है. इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है. तो इससे आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड से. ठीक, उत्तराखंड में हरियाली होती है, हरेला, क्योंकि फूल और पत्ते होते हैं, तो उस वजह से मेला भी लगता है. इतना बड़ा मेला कि वो कुंभ जैसा लगता है. ठीक है, कुंभ मेले के जैसा लगता है वो. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. चलिए आप फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड मिडल ऑफ जनवरी 15 या 20 जनवरी के आसपास ये मनाया जाता है. इसको ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ठीक, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? पोंगल. ठीक है, पोंगल जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. जल्लीकट्टू या सल्लीकट्टू. ठीक है, सल्लीकट्टू या जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है? वो कहाँ कहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग? तमिलनाडु में मनाते हैं. ठीक है, बुल इज़ रिलीज एंड पार्टिसिपेंट्स हैव टू स्टिक टू इट. देखिए क्या होता है ना, जल्लीकट्टू जिसको हम सिलीकट्टू भी बोलते हैं, यहाँ पे एक बुल होगा. ठीक है, एक बुल होगा, उस पर क्या होता है, उसके हम्प पे कोई ना कोई पार्टिसिपेंट यानी कि मेल पार्टिसिपेंट जो है वो बैठा होगा. और ये बुल क्या करता है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये एस्केप करने की कोशिश करता है और ये पार्टिसिपेंट को गिराने की कोशिश करता है. तो जो पार्टिसिपेंट इसको होल्ड ऑन करके रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, वो पार्टिसिपेंट जो है उस जो गेम का है वो क्या बन जाता है? विनर बन जाता है. कब? जब सलीकट्टू या जल्लीकट्टू परफॉर्म किया जाता है या जब ये फेस्टिवल होता है उसी दिन ये सारा बुल वगैरह रिलीज़ किया जाता है. पार्टिसिपेंट्स जो है इसके ऊपर चढ़ते हैं. ठीक, तो पोंगल और जल्लीकट्टू या सलीकट्टू जो है वो आप कैसे याद रखेंगे? वो तमिलनाडु का है. ठीक है, ये आप रख सकते हैं नाडु. एक सेकेंड, हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं नाडु. ठीक है, यानी कि नाडा, नाडु से याद रख लीजिए नाडा. ठीक है, तो जो नाडा था, ठीक है, जो नाडा था, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए कि नाडा था. ठीक है, तमिलनाडु से, नाडू से आप याद रख लीजिए नाडा. तो किसी ने जो है कोई लड़का जो है वो खेल रहा था, तो उसका नाडा किसी ने खींचा, तो उसने पोंगल मीन्स उसने गाली दे दी. ठीक है, गाल कड़ी कहते हैं ना पंजाबी में, गाल कड़ना. तो उसने क्या किया, उसने गाली दे दी. ठीक, क्योंकि उसने उसका नाडा खींच लिया. नाड़ा खींचने पर उसने क्या किया, गाल दे दी, पोंगाल. ठीक,
और दूसरा क्या रखेंगे, जलीकट्टू या सलीकट्टू। तो गाल क्या दे दी आपको पता है कितनी सारी गालियाँ हैं, ठीक है, और जली जली उसने बोला कि ये तू क्या, तू क्या मेरे से जलता है जो तूने मेरा नाड़ा खींचा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, आग उसका नाड़ा खींचने पर उसने गाल दे दी यानी कि गाली दे दी और कहा कि तू क्या जलता है मेरे से, जलीकट्टू, तू क्या मेरे से जलता है जो तूने मेरे मुझे गाली दी थी। एंड सलीकट्टू, सलीकट्टू भी आप याद रख सकते हैं कि मैं तेरा हाथ काट दूंगा, तूने मेरा नाड़ा कैसे खोला, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, ठीक है। तो सलीकट्टू, जलीकट्टू एंड पोंगाल, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मतलब कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाई है। तो अगर आपके पास बेटर ट्रिक है तो यू कैन ऑलवेज आप कमेंट कर सकते हैं एंड हम भी सीख जाएंगे वो ट्रिक, ओके। फिर है थाईपूसम, थाईपूसम टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल बाय मलयाली हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो जो हिंदू कम्युनिटी है तमिलनाडु की, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या मनाते हैं, वहाँ पे थाईपूसम, थाईपूसम फेस्टिवल एक मनाते हैं, ठीक है। कौन, हिंदू कम्युनिटी तमिलनाडु की, वो ये थाईपूसम इसलिए मनाते हैं क्योंकि टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, यानी कि हमेशा सच्चाई हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और इस चीज़ को मनाने के लिए कि अच्छाई की जीत होती है बुराई से ऊपर, हमेशा अच्छाई की जीत होती है, तो इस चीज़ को मनाने के लिए एक फेस्टिवल है जिसको हम थाईपूसम बोलते हैं, एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक। फिर नाट्यांजलि, नाट्यांजलि को आप कैसे याद रखेंगे, एनुअल डांस फेस्टिवल है ये, डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, शिवाजी को डिवोटेड है और ये शिवाजी की याद में ही मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए आप केरला की बात करें, फेस्टिवल्स ऑफ केरला, ओनम फेस्टिवल है, विशु फेस्टिवल है, अल्पाशी उत्सवम है, ठीक है, ये तीन फेस्टिवल्स है कहाँ कहाँ के, केरला के, ओके। अब ओनम फेस्टिवल जो है दैट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल और ये सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये सितंबर में मनाया जाता है। विशु जो है वो कब मनाया जाता है, दैट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ केरला, केरला का जो न्यू ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं, विशु। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि करेला होता है ना, करेला बहुत कड़वा होता है तो विश जैसा होता है, ठीक है, विश जैसा होता है, तो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, ओ नाम हो गया तो मैं तो करेला का नाम भी ना लूँ क्योंकि वो विश जैसा यानी कि जहर जैसा होता है, ठीक। अल्पाशी उत्सवम, ठीक, हाँ, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्पाशी के लिए कोई एक ट्रिक ढूंढ लेना खुद ही। सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल बेदिंग रिचुअल ऑफ डाइटीज इन द श्री पद्मा भस्वामी टेम्पल, श्री पद्मा भस्वामी टेम्पल है एक, वहाँ पे जो है डाइटीज़ को नहलाया जाता है, ठीक है, साल में एक बार, ठीक है, नहलाया जाता है कि इसमें अल्पाशी उत्सवम के, जब ये अल्पाशी उत्सव फेस्टिवल जब मनाया जाता है, इसका मतलब है कि जो डाइटीज़ है जो कहाँ पे है, श्री पद्मा भस्वामी टेम्पल में है, उन्हीं को एक एनुअल जो एक साल में एक स्नान तो दिया जाता है, ठीक है। विशु जहर जैसा होता है करेला, तो केरला में है। ओनम नाम भी नहीं लेना चाहती करेला का, तो वो केरला में है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब है फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, ओके। अब देखिए फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का कौन कौन सा फेस्टिवल है, सबसे पहले आ गया बोनालू, हिंदू फेस्टिवल है ये एक, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू महाकाली, ठीक। ऐसे बोल सकते हो कि मैं तेलंगाना में गाना गा रही थी, आलू बोनालू, तो आलू बनाते बनाते मैं गाना भी गा रही थी, तो तेलंगाना बोनालू, ठीक, समझ लग गई। चलिए आगे चलते हैं, बटुकम्मा 9 days लॉन्ग फेस्टिवल, स्टार्ट्स ऑन नवरात्रि एंड एंड्स ऑन दुर्गाष्टमी, ठीक, दुर्गाष्टमी में ख़त्म होता है, नवरात्रि पे शुरू होता है, तो 9 days तक ये चलता है बटुकम्मा, ठीक है। बटुकम्मा, कम्मा से काम कर रही थी, काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी, आलू बना रही थी, बोनालू, आलू बना रही थी से बोनालू, बोनालू और तेलंगाना, तो गाना गाते गाते मैं काम भी कर रही थी और आलू भी बना रही थी, पका रही थी, ठीक, इससे आप याद रखेंगे। अब देखिए फेस्टिवल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ब्रह्मोत्सव 9 days लॉन्ग होता है ये, सेलिब्रेटेड एट वेंकटेश्वरा टेम्पल, ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, 9 दिन तक चलता है और ये वेंकटेश्वरा टेम्पल में मनाया जाता है। उगाड़ी, उगाड़ी मीन्स तेलुगु न्यू ईयर, तेलुगु न्यू ईयर को हम उगाड़ी बोलते हैं। दशहरा, ठीक है, दशहरा जो है वो भी कहाँ पर मनाया जाता है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। अब हो गया फेस्टिवल्स ऑफ महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा है ये एक महाराष्ट्रीय न्यू ईयर है, महाराष्ट्रीयन न्यू ईयर को गुड़ी पड़वा बोलते हैं, एंड गुड़ी पड़वा ही सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक। खानदोबा फेस्टिवल या चंपा शास्थी, तो खानडोबा, खानडोबा आपको कैसे याद रखना है, खानदोबा महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, तो मुंबई में खान होते हैं ना, सलमान खान, आमिर खान, तो खानदोबा आपको उससे याद रखना है, ठीक।
खानदोबा ऐसे भी याद रख सकते हो कि मुंबई में जो है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में खानदोबा, खान लोग जो है ना, जो भी खान हीरोज है वो पड़वा यानी कि पढ़ते वढ़ते नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, ठीक है, वो पढ़ते तो नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, ठीक। एंड चंपा, चंपा शाष्ठी, चंपा शाष्ठी भी खानडोबा को ही बोलते हैं, ठीक। ओके, सिक्स डेज लॉन्ग होता है ये खानडोबा फेस्टिवल फॉर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के लिए मनाया जाता है। प्रेयर्स ऑफर्ड टू खानदोबा, ठीक है, खानदोबा हु वॉज एन इनकारनेशन और अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है। और मेनली इसको खानदोबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि खानदोबा जो है वो एक अवतार था किसका, लॉर्ड शिवा का। तो इसी अवतार को, इसी अवतार यानी कि खानदोबा जो कि अवतार था शिवा का, तो इसी खानदोबा को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इसी खानदोबा को ये डेडिकेट किया गया है, ठीक। याद रहा ना, याद रहा, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में खान लोग होते हैं, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो चंपा भी आप याद रख लेने, खानदोबा को ही चंपा भी बोलते हैं। खानदोबा जो है दैट वाज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि अवतार थे वो एक लॉर्ड शिवा के, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी आगे, फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। देखिए मैंने आपको बोला था जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा में निकलती है और वहाँ पर एक टेम्पल भी है इस नाम पर, ठीक। ओके, और ऑल्सो नोन एज गुंडीचा यात्रा, चैरियॉट फेस्टिवल, क्योंकि इसमें चैरियॉट होता है, रथ यात्रा जिसपे यात्रा निकलती है वो, जिसमें डाइटीज वगैरह रखते हैं चैरियॉट पे, वो निकलता है। दशावतरा भी बोलते हैं इसको, नवरीना यात्रा भी बोलते हैं। फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, ये आपको याद ही है, हिज सिस्टर सुभद्रा एंड हिज एल्डर ब्रदर बलभद्र, ये भी मैं आपको बोल चुकी हूँ, ठीक। अब उड़ीसा में और एक नुकाहाई फेस्टिवल, नुकाहाई फेस्टिवल जो है वो भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है, ऑल्सो नोन एज नबामा फेस्टिवल एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, ठीक। राजप्रभा, अब बताऊँ मैं, उड़ीसा में बहुत सारे फेस्टिवल, लेकिन मेन फेस्टिवल जो है दैट इज़ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर बाकी भी याद हो जाता है, अगर ये सारी भी चीज़ें भी याद हो जाती है तो आप कर सकते हैं, ठीक। अब है राजप्रभा, राजप्रभा जो है 3 days लॉन्ग होता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फर्स्ट डे को क्या बोला है, पहली राजा, सेकेंड को राजा संकंठी, तीसरी को बसी राजा, ठीक। तो 3 days हो गए, ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे होगा, समझ लग गई। राजप्रभा जो है वो 3 days तक मनता है। पहले दिन को हम बोलते हैं पहली, पहला तो पहली, ठीक। बसी को मीन्स बस करो, अब तो लास्ट दिन को, थर्ड दिन को हम बसी, ठीक। एंड बीच वाला जो बचा सनकंथी, ठीक, सनकंथी, ओके, समझ लग गई। 3 दिन के लिए, पहला तो पहली राजा, थर्ड बसी यानी कि बस करो, अब लास्ट वाली स्टेज आ गई है, और सेकंड वाले डे को बीच वाला जो बचता है संखंठी, वो सेकंड वाले डे को बोला जाता है। राजप्रभा के ये 3 days को बोले जाते हैं, ओके। चलिए फेस्टिवल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, फेस्टिवल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। एक तो दुर्गा पूजा करी जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक, गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक। विमेन पुट रेड पाउडर ऑन ईच अदर, औरतें जो है वो एक दूसरे के फेस पे क्या लगाती हैं, रेड पाउडर लगाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, बिहार के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, बिहूला, पीपल वर्शिप देवी मानसा फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिलीज, ठीक है, अपनी फैमिली की रक्षा के लिए, मतलब अपनी फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए जो है लेडीज़ परफॉर्म करती हैं, किसको लेडीज़ जो है ये फेस्टिवल मनाती हैं, और किसको उस दिन वर्शिप करती हैं, वो देवी मानसा को, ठीक है, देवी मानसा को, और इसी फेस्टिवल को बोला जाता है बिहूला। छठ पूजा, छठ पूजा भी बिहार में की जाती है, ठीक, ठीक। सन गॉड अलॉन्ग विद हिज वाइफ उषा इज़ वर्शिप्ड, सन गॉड, सन गॉड को किया जाता है, और उनकी वाइफ जो है उनको भी इस दिन क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, टू थैंक देम फॉर बेस्टोइंग लाइफ ऑन अर्थ, ताकि उनको थैंक किया जाए कि आपने लाइफ पे जो है अर्थ, आपने अर्थ पे जो है वो लाइफ भेजी है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि छठ पूजा इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो सन गॉड है और उनकी वाइफ को हम थैंक कर सकें कि उन्होंने ज़मीन पे जो है, धरती पे जो है लाइफ भेजी है, ओके। मधुश्रावणी सेलिब्रेटेड बाई मैथिली ब्राह्मिन्स ऑफ बिहार, बिहार में जो ब्राह्मिन्स है मैथिली ब्राह्मिन्स, वो इसको मधुश्रावणी को परफॉर्म करते हैं, फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक। मार्क्स द अराइवल ऑफ मॉनसून इन द रीजन, मधुश्रावणी का मतलब क्या होता है, जब वो तब मनाया जाता है जब मॉनसून आने वाला होता है। तो जब भी आप मधुश्रावणी मनाएंगे बिहार में, उसका मतलब है कि अब मॉनसून आने वाला है, ठीक। फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड, ठीक, हल पुनहैया ऑल्सो नोन एज अखैन जत्रा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्लोइंग, ठीक है, तूसु हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड रोहिणियों के स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन। एक तो रोहिणी, एक तो तूसु एंड एक तो हल पुनहैया, ये सारे क्या हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हैं कहाँ के, झारखंड के, ठीक।
ठीक है, तो झारखंड में कौन कौन से फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे? हल पुनहिया, इसको हम अखैन जात्रा भी बोलते हैं, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्लोइंग, मीन्स प्लोइंग की जब शुरू होती है, प्लोइंग यानी कि खेत जोतना, ठीक है, जब हम जैसे पैडी वगैरह लगाने से पहले खेत जोतना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्लोइंग, तो प्लोइंग की शुरुआत जब होती है तभी हल पुनहिया जो है फेस्टिवल मनता है, ठीक। और रोहिणी जो है स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन, यानी कि अब बीज बोने हैं, पहले प्लोइंग वगैरह कर ली, अब सीड जो है वो बोने हैं हमने, ठीक है, लगाने हैं सीड, और फिर क्या होना है, फिर हार्वेस्ट होना है, तो तूसु मतलब हार्वेस्ट करनी है हम लोगों ने, ठीक। तो ये झारखंड में बनता है, ठीक, ये फेस्टिवल। अब देखिए, अब है फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़। फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया बस्तर दशहरा, इसको आप कैसे याद रखेंगे, बस्तर, बस्तर मीन्स बिस्तर, ठीक है, बिस्तर से याद रख लीजिए, बिस्तर। तो हमने कितने बिस्तर बिछाए, 36 बिस्तर बिछाए हमने, बहुत ज़्यादा 36 बिस्तर बिछाए, 36 बिस्तर बिछाना कोई छोटी बात थोड़ी है, तो 36 बिस्तर बिछाए, ठीक। लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड, ये तो इंपॉर्टेंट रहना ही चाहिए आपको, ओके। दैट मीन्स ये जो बस्तर दशहरा है, बस्तर दशहरा क्या है, बस्तर दशहरा आपका सबसे बड़ा दशहरा है वर्ल्ड में, ठीक। क्यों? क्योंकि 75 डेज तक मनाया जाता है, समझे, 75 डेज तक मनाया जाता है, तो बड़ा तो हो गई, ठीक। दशहरा जो है ये 75 डेज तक चलता है, तो इसलिए इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड, ओके। एंड 36 बस्तर दशहरा से आप कैसे याद रखेंगे, बस्तर मीन्स हमने 36 बिस्तरे बिछाए, कोई शादी थी तो 36 बिस्तरे हमने बिछाए, ठीक, उससे याद रख लेना आप। अब अदर फेस्टिवल्स, छत्तीसगढ़ के ही और फेस्टिवल्स क्या हैं, बोराम दियो फेस्टिवल, ठीक है, उसके बाद गोंचा, मदाई, पोला, फिर हरेली, फर्स्ट फ्रूट, अर्थ फेस्टिवल, ठीक, एक सेकेंड, छत्तीसगढ़, ठीक, देखिए आप ट्रिक यहाँ पे एक मैं बताऊंगी आपको, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से फेस्टिवल से कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए हमने एक भोराम दियो फेस्टिवल, ठीक है, भोरा मीन्स हमने एक सैक लाया, बोरी होती है ना, तो बोरा से आप याद रख लीजिए, हमने एक सैक लाया, यानी कि एक बोरी लाई और उसमें क्या रखे, फ्रूट्स रखे, फर्स्ट फ्रूट से आप याद रख लेते हैं, उसमें हमने फ्रूट्स रखे, लेकिन वो फ्रूट क्या थे, वो फ्रूट सारे हरेली, यानी कि हरे हरे थे, मान लीजिए एप्पल रख लिया फ्रूट हमने उसमें, वो हरेली था, और हरे एप्पल अच्छे नहीं ना होते, पक्के रेड एप्पल अच्छे होते हैं, तो अब हम उनका क्या करें, हमने उनको अर्थ में गाड़ हो गया गाड़, तो हमने उनको अर्थ में गाड़ दिया, हमने उनको अर्थ में गाड़ दिया, ओके। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ में गढ़ है, तो हमने क्या किया, हमने फ्रूट लाया था, लेकिन वो सारे हरे थे, इसलिए हमने क्या किया, एक भोरा लिया, उसमें पैक कर दिए वो फ्रूट्स, और अर्थ में हमने गाड़ दिया उन फ्रूट्स को, ठीक। आई होप छत्तीसगढ़ के जो आपको फेस्टिवल्स है वो याद रह गए होंगे, ठीक। अब करते हैं राजस्थान के फेस्टिवल्स। देखिए फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, गंगौर, शिवा एंड पार्वती के लिए ये किया जाता है फेस्टिवल परफॉर्म, ठीक। सिंबल्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, ऐसा माना जाए शिवा एंड पार्वती जी की मैरिज हुई थी, तो ऐसा माना जाता है सक्सेसफुल मैरिज एंड लव को ये गंगौर फेस्टिवल जो है वो क्या करता है उसके लिए, मतलब उसको क्या करता है, सिग्निफाई करता है सक्सेस और लव को, सक्सेस ऑफ मैरिज, ठीक है, कि मैरिज जो है वो सक्सेसफुल रही किसकी, पार्वती जी और शिवा की, ठीक है। तो गंगौर, उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, ये तो आपको याद रहेगा ही क्योंकि राजस्थान है इसमें। समर फेस्टिवल, ये याद रख लेना कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे रेगिस्तान है तो गर्मी होती है, तो समर फेस्टिवल वहीं पे मनेगा, ठीक। केमल फेस्टिवल, आपको पता है कि केमल जो है वो ज़्यादातर राजस्थान में ही पाया जाता है, क्योंकि केमल एक ऐसा है जो अपने हम्प में वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक, तो रेगिस्तान में सिर्फ केमल ही रह सकता है, तो केमल फेस्टिवल भी राजस्थान में ही। एलिफेंट फेस्टिवल भी बड़ा होता है केमल की तरह, तो एलिफेंट भी कहाँ पे रहेगा, वो भी राजस्थान में रहेगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऐसे इमेजिन कर लो कि रेगिस्तान में वो सैंड होती है ना, तो हम सैंड के बीच में घूम घूम के पतंग उड़ा रहे हैं, तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी कहाँ पे होता है, वो भी राजस्थान में ही होता है, ठीक, ओके। और ऐसा मान लो राजस्थान में राजा, तो राजा के पास बड़ी गैंग थी, ठीक है, राजा के पास बहुत गैंग थी किसकी, सेनाओं की, तो राजा के पास जो है मिलिट्री की बहुत बड़ी गैंग थी, ओके, तो गंगौर, ओके, राजा तो गैंग थी उसके पास, ओके। राजस्थान है इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, राजस्थान है तो राजस्थान में मनेगा। समर फेस्टिवल है, गर्मी होती है राजस्थान में, तो वहीं पे मनेगा।
केमल फेस्टिवल, केमल सिर्फ राजस्थान में रह सकता है तो केमल फेस्टिवल भी राजस्थान में ही होगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, हम बीच में सैंड के बीच बीच में से, रेगिस्तान के बीच बीच में से पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान आप देख रहे हैं ना सॉन्ग्स की जब शूटिंग होती है तो वो रेत वगैरह में शूटिंग होती है, तो उसी रेत में हम लोग काइट उड़ा रहे हैं क्योंकि अलग ही मज़ा है। फिर एलिफेंट, वो भी बहुत बड़ा है केमल की तरह, तो वो भी राजस्थान में ही रहता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रिक्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास इससे बेटर ट्रिक्स है तो आप कर सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, अदर फेस्टिवल्स, खाजुराहो, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश छोड़ दिया था मैंने। फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश, भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, ठीक। उसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ मालवा रीजन, ये मालवा रीजन का ट्राइबल फेस्टिवल होता है, कौन, भगोरिया। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्राई टू इम्प्रेस ईच अदर एंड इफ बोथ लाइक ईच अदर देन दे पुट रेड पाउडर ऑन देयर पार्टनर्स फेस। तो क्या होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये एक फेस्टिवल होता है भागोरिया। भागोरिया में क्या होता है, लड़का होता है और एक लड़की होती है, एक मेला लगता है जिसमें लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो जिस लड़के का और लड़की का आपस में इंटरेक्शन हो जाए और अगर उनको एक दूसरा मतलब एक दूसरे से बराबरी हो जाती है, अगर लड़के को भी लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के फेस पे गुलाल लगाते हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, ठीक। उसी को बोलते हैं भागोरिया, ठीक है। तो भागोरिया ऐसे आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कि बीच में से भागो, ठीक है। यहां पे बहुत लाइन थी तो आप बीच में से इनको लाइन को कट करके बीच में से भाग जाओ, भागोरिया। और भागो क्यों, क्योंकि लड़का है और लड़की है, वो आपस में प्यार करते हैं, तो वो भागोरिया, ठीक। उससे मतलब आप कर सकते हैं खुद, या आप यू नो आप रिलेट कर सकते हैं। फिर अदर फेस्टिवल्स हो गया, खाजुराहो डांस फेस्टिवल है। खाजुराहो आपको पता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एक इंडिया में, खाजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, ओके। तो खाजुराहो फेस्टिवल कहाँ पे बनेगा, मध्य प्रदेश में ही बनेगा। फिर है उज्जैन कुंभ मेला, ठीक है। उज्जैन कुंभ मेला जो है, एक मैंने आपको कुंभ, सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेला बोला था, वो कहाँ पे था, वो उत्तराखंड में था। उत्तराखंड में टेक्निक क्या बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी उत्तराखंड की, हरेली होती है, फूल पत्ती होती है, तो फूलदेई फेस्टिवल भी वहीं पे होता था, हरेली भी वहीं पे, फूलदेई भी वहीं पे। एंड क्योंकि हरेली और फूलदेई, फूल पत्तियाँ होती थी, हरेली होती थी, तो इतना बड़ा मेला लगता था कि वो कुंभ जैसा लगता था, तो कुंभ मेला भी उत्तराखंड में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। तो उज्जैन कुंभ मेला जो है अब वो मध्य प्रदेश में होगा। खाजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। लोक रंग फेस्टिवल जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही होगा। नागाजी फेस्ट फेयर जो है वो भी मध्य प्रदेश में। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल एंड पचमढ़ी उत्सव जो है वो भी मध्य प्रदेश में होगा। अगर ट्रिक्स बनती है तो आप बना लीजिए, बट ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भागोरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, ओके। चलिए चलते हैं आगे, अब देखिए क्या है, फेस्टिवल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी फेस्टिवल कौन कौन सा है, कुंभ मेला एक हो गया, ठीक। मास हिंदू पिलग्रिमेज, मतलब यहाँ पे क्या आती है, बहुत सारे हिंदू लोग इकट्ठा होते हैं। हिंदूज बेद इन होली रिवर ऑफ गंगा, गंगा में क्या करते हैं, आपको पता है गंगा जो है वो यूपी से फ्लो करती है, ठीक। तो इसलिए ये कुंभ मेला भी यूपी में ही मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या आते हैं, हिंदू लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो बहती गंगा होती है उसमें स्नान करते हैं, और उनको लगता है कि मतलब उनका एक बिलीफ है कि अगर हम इस बहती गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, अब पवित्र यानी कि प्योर यानी कि पायस हो जाएंगे, ठीक, पायस हो जाएंगे। इसलिए वो यात्रा करते हैं, आते हैं और गंगा में नहा के चले जाते हैं, तो कुंभ मेला हम उसको बोलते हैं। और कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, ये उत्तर प्रदेश में लगता है, क्योंकि कुंभ मेला गंगा में नहाने के लिए लगता है, और गंगा कहाँ पे है, गंगा उत्तर प्रदेश से बहती है, ठीक। खिचड़ी, मकर संक्रांति इज कॉल्ड एज खिचड़ी इन यूपी। हाँ, अब देखिए मकर संक्रांति होता है ना, मकर जैसे हम आई थिंक लोहड़ी में बनती है शायद मकर संक्रांति, लोहड़ी के बाद या लोहड़ी से पहले मनाते हैं मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति को ही क्या बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को ही हम खिचड़ी या खिचड़ी भी आप बोल सकते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इन्वॉल्व्स रिचुअल बेदिंग, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिचुअल बेदिंग यानी कि एक स्नान करते हैं लोग, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक। फिर आता है फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात, गुजरात के क्या क्या फेस्टिवल्स है, उत्तरायण,
ट्रांजिट ऑफ सन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखिए क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से जब सन शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यानी कि वो कहाँ जाता है, नॉर्थवर्ड्स जाता है, ये साउथ है ये नॉर्थ है. सन कहाँ शिफ्ट होता है, नॉर्थवर्ड्स जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहे हैं. तो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हम नॉर्थवर्ड मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है. तो जब कैप्रिकॉन से कैंसर तक जाएगा, साउथ से नॉर्थ तक जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है किसकी, सन की. तब ये उत्तरायण फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है. ठीक, इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड्स. ठीक, दैट इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड रन उत्सव, आपको पता है रन उत्सव, हाँ रन जो है वो कहाँ पे, रन फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो भी गुजरात में ही मनाया जाता है. ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. चलिए आगे चलते हैं. अब जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो है उसमें क्या क्या आता है आपका, उसमें आप क्या आते हैं, डांस. तो डांस आई गेस हमने दो वीडियोस में कर लिए हैं, और फेस्टिवल्स भी आते हैं. ठीक, तो फेस्टिवल्स भी मैंने सारे कंप्लीट करे हैं दो वीडियोस में. और अब क्या आता है, अब आता है आपका कल्चर. ये फेस्टिवल का दूसरा वीडियो चल रहा है. ठीक, तो अब आपका आता है सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये हम आधा तो इस वीडियो में करेंगे सेकंड लेक्चर में, और आधा इसके लिए एक लेक्चर आ जाएगा. तो टोटल हमारे 5 लेक्चर्स फिर हो जाएंगे. समझ रहे हो, डांस के लिए 2 वीडियोस कर ली, फेस्टिवल के लिए एक तो पहले कर ली है, और ये दूसरी वाली है. और इस वाली में थोड़ा सा हम यूनेस्को का भी करेंगे, और जो बचा कुचा है वो 5th वीडियो में यूनेस्को का पढ़ेंगे. ठीक, क्योंकि इसमें से भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपको डांस पूछा जाता है कौन सा डांस कौन सी स्टेट से है, आपको फेस्टिवल पूछा जाता है कौन सा फेस्टिवल कहाँ से है. अब मैं आपको पेंटिंग्स भी कराती, लेकिन आर्ट जो है, पेंटिंग्स आर्ट के अंदर आता है, और आर्ट जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है. ठीक, तो चलिए विदाउट एनी डिले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे चलते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब हुई थी, ये हुई थी 1972 में. मींस एक कन्वेंशन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बोला गया था कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है उनको यानी कि कहते हैं ना, उनको इम्पॉर्टेंस देनी है. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देनी है, या कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉग्नाइजेशन देनी है. रिकॉग्नाइजेशन यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस, महत्व देनी है. ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ था, उसको बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. कब हुआ था ये डिस्कस, 1972 में ये डिस्कस हुआ था. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1972 में. ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब देखिए, इंडिया में टोटल जो है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ 2022. अगर मैं अर्लियर वाले सिनेरियो की बात करूँ, तो एक सेकेंड, पहले की बात करूँ, 2022 से पहले की बात, तो तब कितनी थी, टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी. ठीक, उसमें से यानी कि उसमें से क्या था, 30 कल्चरल थी, 7 क्या थी, 7 थी हमारी नेचुरल, और एक क्या थी, वो थी मिक्स्ड. ठीक है, टोटल कितनी बनती है ये, 37. लेकिन 2002 के बाद क्या हुआ, 2022 के बाद क्या हुआ, 2022 के बाद हमारे पास 32 कल्चरल साइट्स हैं. ये पहले 30 थी, तो मतलब इसमें प्लस 2 हुआ है. ठीक, ये 7 की 7 ही रह गई, और ये 1 की 1 रह गई. ठीक, तो अब हमारे पास टोटल कितनी हुई, अर्लियर हमारे पास थी 38, लेकिन क्योंकि ये 2 ऐड हुई है, ये 30 से 32 बना है, तो अब 32 और 7 हो गई 39, और 1 हो गई 40. तो अभी करंट सिनेरियो क्या है, वी हैव 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक, एज ऑफ 2022. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अभी हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो आप क्या बताएंगे, 40 बताएंगे. अगर पूछा जाए कि अर्लियर कितनी थी, पहले कितनी थी 2022 से पहले, तो यूल से 38. ठीक, और अगर इस 40 का आपका डिवीजन पूछा जाए, तो इसमें से आप बोलेंगे 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, और 1 जो है वो मिक्स्ड है. ओके, अब ये सारी जो साइट्स हैं, 40 साइट जो है ये हम अभी पढ़ेंगे. इनके नेम्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी साइट है, और उनकी लोकेशन यानी वो कौन कौन सी स्टेट में है,
वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, नाम दिया होगा आपको कल्चरल हेरिटेज साइट का और फिर आपको लोकेशन पूछा होगा कि वो कौन जगह है, और कभी कभी मेन फीचर्स भी इस साइट की जो है मेन फीचर्स भी पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है वहाँ वहाँ पे आपके मेन फीचर्स भी मैं बताती जाऊँगी। ठीक, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, तज़किया खान 7 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो उस पर कर सकते हो आप मुझे मैसेज, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। ओके, और अगर आपको PDF और टेस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो आप जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे जाके ले सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।